अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। तो आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, तो मैंने सोचा कुछ बहुत ही मज़े का बनाया जाए, लेकिन रियली क्विक बनाया जाए क्योंकि मैच तो मिस नहीं कर सकते, फाइनल है। तो चले मेरे साथ, आज हम बनाने जा रहे हैं रियली रियली क्विक बिरयानी और बहुत ही यमी बिरयानी। और चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो बिरयानी के लिए हम चीज़ें यूज़ करेंगे, अब मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगी। मैंने लिए हैं 3 नॉर्मल साइज़ के टमाटोज, जिनको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लिया है। साथ में मैंने लिए हैं 2 अनियन, उनको भी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लिया। और हाफ कप मैंने योगर्ट लेके उसको अच्छे से विस्क कर लिया, और वार्म वाटर में मैंने इमली को भिगो के रख दिया हुआ था। साथ में मैं यूज़ करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट, जो कि मैं हर खाने में यूज़ करती हूँ। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है। और मसाले में मैं यूज़ करूँगी 1 पैकेट बिरयानी मसाला, क्योंकि हम स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं। तो मैं सॉल्ट लूँगी 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया और हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। 7 to 6 पीस हम लेंगे आलू बुखारे के। दम के लिए मैंने 2 से 3 टमाटर को कट कर लिया था स्लाइस में, और 1 लेमन को और ग्रीन चिली को, और साथ मैंने ब्राउन कर लिया था अनियन को। ये आप पे डिपेंड करता है आप ब्राउन अनियन डालें या ना डालें। चिकन मैंने लिया है 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा, और राइस मेरे हैं 2.5 ग्लास, और 1 ग्लास मैंने लिया है ऑयल का। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम अपने पैन में ऑयल डालेंगे और उसे थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम उसमें अनियन डाल देंगे। यहाँ पे हमारे अनियंस का कलर चेंज हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब हम अपना चिकन ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब हमारे चिकन का कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देंगे और 5 मिनट्स तक इसे मिक्स करेंगे। साथ ही हम अपने टमाटोज इसमें ऐड कर देंगे, और साथ हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस और चिकन अच्छे से ऐड हो जाए, हम इसको 5 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक करेंगे, और उसके बाद हम इसमें अपना इमली का पल्प या इमली का पानी डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे 15 मिनट्स के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छे से, मसाले अच्छे से पक जाएं और तैयार हो जाएं। और माशाल्लाह, हमारे चिकन अच्छे से पक चुका है और मसाला अच्छे से चिकन में ऐड हो चुका है, मसाला भी गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो ड्राई आलू बुखारे रखे हुए थे, और साथ हम थोड़ा सा इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे और इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए दोबारा कवर कर देंगे, ताकि ऑयल भी ऊपर आ जाए और अच्छे से योगर्ट इसमें ऐड हो जाए। योगर्ट एक अलग ही टेस्ट देती है। और माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम करेंगे राइस के लिए पानी को बॉयल। जब तक हमारा पानी अच्छे से बॉयल नहीं हो जाएगा, हम उसमें राइस नहीं ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं पानी में कितने बबल्स आ गए हैं और मैंने राइस ऐड कर दी है। अब हम इसे अच्छे से कुक करेंगे ताकि हमारे राइस 98% रेडी हो जाए। और माशाल्लाह, हमारे राइस आप देख सकते हैं 98% हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके पानी को ड्रेन कर देंगे। अब हम 1 by 1 लेयर्स शुरू करेंगे, एक लेयर राइस की और एक लेयर हमारे मसाले की और चिकन की। साथ ही हमने जो दम के लिए चीज़ें रखी थी, हम वो ऐड करेंगे और कलर भी ऐड करेंगे, और अच्छे से इसको दम पे रख देंगे कवर करके। आप पे डिपेंड है आपको किस चीज़ से इसको कवर करना है, कपड़े से, एलुमिनियम फॉयल से, जिससे आपको बेहतर लगे। साथ ही हम अपना रियली क्विक ईजी रायता रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा चाट मसाला, सॉल्ट, ब्लैक पेपर
और साथ हमारा क्योंकि घर का दही है तो हम दूध थोड़ा सा यूज़ करेंगे। हम दूध को डालेंगे ग्राइंडर में और उसके साथ हम डालेंगे धनिया और ग्रीन चिली, जिसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे, और सारे मसाले हम इसी में साथ ऐड कर देंगे। और माशाल्लाह हमारा रायता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसका दम उतार देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। एक एक राइस का दाना अलग अलग है और बहुत ही डिलिशियस बनी है, और माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि बस मेरा दिल कर रहा है मैं अभी सारी खा जाऊँ। लेकिन मैं अपने हस्बैंड का वेट करूँगी। आप भी ये बिरयानी बनाइए रियली क्विक और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।